राम राम भाइयों, क्या हाल चाल है सबके? बढ़िया, एक नंबर। तो आशा करूंगा सब घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और थोड़ी बहुत जो पढ़ाई अपनी अपनी है वो कर भी रहे होंगे, और नहीं भी कर रहे हो तो अब स्टार्ट कर दो क्योंकि एग्जाम तो टाइम पर होने वाले हैं। ठीक है, तो ज्यादा बातें नहीं करेंगे और स्टार्ट करते हैं। जो आज अपना टॉपिक क्या है, आज ये है कि हम सडन अप्रोक्सीमेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सडन अप्रोक्सीमेशन मैंने थोड़ा इंट्रो लास्ट लेक्चर में दिया था, है ना। तो क्या था सडन अप्रोक्सीमेशन समझिए पहले। ठीक है, तो जो सडन अप्रोक्सीमेशन है उसमें क्या होता है बेसिकली कि अगर ट्रांजिशन हो रहा है इनिशियल टू फाइनल स्टेट, इनिशियल टू फाइनल स्टेट, अगर ट्रांजिशन इनिशियल टू फाइनल स्टेट हो रहा है तो क्या होगा, उसमें अब्रप्टली होगा, बहुत ही भयंकर तरीके से, मतलब बहुत टाइम ही नहीं लग रहा, पता ही नहीं चलता ऐसे, मतलब जब ट्रांजिशन हो गया पता ही नहीं चला, बहुत रैपिडली अब्रप्टली रैपिडली वो ट्रांजिशन हो गया, बिल्कुल टाइम नहीं लगा, पता ही नहीं चला। ठीक है, तो वो जो ट्रांजिशन होता है उसको अपन सडन कहते हैं, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा ना कि सडन यानी अचानक, एक मतलब रैपिडली, पता ही नहीं चला। ठीक है, तो इसकी थ्योरी कुछ पढ़ते हैं। तो थ्योरी में क्या लिखा है कि व्हेन ट्रांजिशन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट अकर इन वेरी शॉर्ट इंटरवल, समझे, वेरी शॉर्ट इंटरवल, बहुत एक छोटा इंटरवल, और बेसिकली मैं बता दूं कि जो इंटरवल है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से भी कम टाइम में हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन 10 टू द पावर -22 या 23 ऐसे कुछ होता है, तो उससे भी कम टाइम में ये ट्रांजिशन हो जाता है, तभी तो उसको अपन सडन अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं। सही बात है कि नहीं? ठीक, चलो। तो देन दिस थ्योरी इज नोन एज सडन अप्रोक्सीमेशन। चलो, क्लियर डेफिनेशन? क्लियर, ठीक है। अब इसका जो डेरिवेशन वाला पार्ट है वो पार्ट आधा आपको पिछले वाले वीडियो में करना पड़ेगा, हमारा जो पिछले वाला लेक्चर था ना वहां से करना पड़ेगा, वो आप नहीं देखा तो वहां आप कार्ड पर देखिए, वहां से आप उसको देख लो। ठीक है, तो कहां तक करना है वो पिछले वाला वीडियो देखिए, कि पिछले वाले वीडियो में हमने क्या किया था कि एक ट्रांजिशन एम्पलीट्यूड लिया था, फिर उस ट्रांजिशन एम्पलीट्यूड किसके लिए, टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन के लिए, और वो भी फर्स्ट ऑर्डर वाला। ठीक है, तो उसके लिए अपन ने क्या किया था कि उसका ट्रांजिशन एम्पलीट्यूड लिया था और उसको फिर इंटीग्रेट किया था विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और उसके बाद जो भी अपने काम किया वो यहां तक लाके छोड़ दिया था, फिर इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाली थी वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करके, तो जो भी काम किया था हमने यहां तक लाके छोड़ दिया था। ठीक है, और एडियाबेटिक अप्रोक्सीमेशन में हमने क्या किया था कि एडियाबेटिक में क्या किया कि बहुत ही धीरे धीरे हो रहा था ट्रांजिशन, बेचारा मरमर के, बिल्कुल मरमर के, बहुत ही मरमर के ट्रांजिशन हो रहा था, तो ये हैमिल्टोनियन वाला टर्म को मतलब चेंज ही नहीं हो रहा ऐसे ही मान लिया था, तो इसको वहां बाहर बिठा दिया था, इसका इंटीग्रेशन कर दिया था, फिर वो फॉर्मूला लगा दिया था और काम खत्म हो गया था। ठीक, चलो अब क्या करना है, अब क्या होता है कि ट्रांजिशन बहुत ही शॉर्ट इंटरवल में हो जाता है, तो क्या करेंगे, अगर शॉर्ट इंटरवल में ट्रांजिशन हो रहा है तो क्या होगा कि ये जो e to the power iota omega kNt है ना, इस बेचारे को पता ही नहीं चलेगा कि ट्रांजिशन हो रहा कि नहीं हो रहा, ये सोता ही रह गया आराम से, नींद निकाल कर देखा तब तक ट्रांजिशन होकर वापस उसकी जगह पर आ गया, समझे कि नहीं समझे। तो कहने का मतलब e to the power iota omega kNt ये वाला पार्ट है ना, ये इंटीग्रेशन से बाहर ही बैठ जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने पहले बोल दिया कि ट्रांजिशन वेरी शॉर्ट इंटरवल में होता है और वो टाइम कितना होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से भी कम टाइम में, बोलो भाई क्या बात है, सही है कि नहीं है। ठीक, तो इस बेचारे को पता नहीं चला और ये बाहर बैठ गया, बोलो भाई क्या बात है, अगर ये बाहर बैठ गया तो स्क्वायर को यहां लेके आए, ठीक है कि नहीं है। ठीक है, चलो फिर इस बेचारे का क्या, अब ये पर्टर्बेशन वाला ड्रम देगा, मैं तो आऊंगा, साथी चोरी करके आएगा, वो बेटा मैं तो आऊंगा, बोलो मेरा क्या करोगे, तो हम भी मैथमेटिक्स में होशियार है, हमने कहा दिले ये तेरा डिफरेंशिएशन और ये इंटीग्रेशन काट दिया, बोल भाई बोल क्या करना तेरा, तकलीफ ही नहीं है वो बेचारा, फिर बैठ गया, चल ठीक है भाई बैठ जाता हूँ, तो ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कट गया तो ये सीधा स्फीयर बाहर आ गया। ठीक है, अब एक तकलीफ यहां आएगी कि इसके स्क्वायर को वन कैसे बनावे। ठीक है, अपन कभी भी आयोटा e टू दी पावर आयोटा के टर्म में कोई स्क्वायर हो ना तो वन बन जाता, कैसे बनेगा देखिए, कि e टू दी पावर मान लीजिए 2 आयोटा है
और इसको स्क्वायर किया, स्क्वायर किया तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, e to the power 2i, बोलो भाई सही बात है, गलत तो नहीं? ठीक, तो ये आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर तो आयोटा और आयोटा माइनस वन हो जाएगा, तो ये e to the power माइनस टू डॉट e to the power 2, तो ये हो गया वन। ठीक है, इस प्रकार से ये अपन इसका स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई होके माइनस वन बन जाएगा और ये यही रह जाएगा, तो टोटल अपने पास आयोटा का टर्म क्या आएगा, वन आएगा, ये वाला टर्म बेचारा खत्म। तो एटलीस्ट अपने पास जो ट्रांजिशन फॉर्मूला आएगा, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी किसमें, सर्टेन एप्रोक्सीमेशन में, वो कुछ इस प्रकार से आएगा, एच का स्क्वायर ओमेगा के एन का स्क्वायर, ये आ गया पी एन टू के टी, और ये एप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन है, ध्यान रखना ये सॉल्यूशन एप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो पूरा समझ में आ गया, फिर अगले वीडियो में अपन इंट्रैक्शन विद रेडिएशन पढ़ने वाले हैं। अगर आपको पढ़ना है तो क्या करना है, अगला वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, अपन रोज ले रहे हैं वीडियो, कल आएगा वो वीडियो, कल आएगा तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना भाई, ठीक है, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे मेरे जो भी न्यू वीडियो जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चलो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, जय हिंद जय भारत दोस्तों।